एक कांग्रेस का आदमी पार्टी के लिए बोला, ये पार्टी के लिए नहीं बोला, समाज के लिए बोला है, ये समाज के लिए बोला है। जो सक्षम है उसको विधानसभा में मदद करो, तन मन धन से जो जीतने लायक है, और जो जीतने लायक नहीं है उसको समाज वाले 10 आदमी मिलके बोलो कि भाई हम तेरे साथ है दिल से, लेकिन बैठ जा, तू खाली क्यों, अपने को भी हारेगा दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो यही मैं आपसे माफी चाहता हूं अगर मैं कुछ ज्यादा बोला हूं तो। हमारी समाज मेरी माए बाप है, हमारी समाज है तो मैं हूं, मैं अकेला। इधर तो तुम वोट टिकट मांगने जाते हैं ना आप, 25,000-50,000 वोट गिनाते समाज का, तब जाके तुम बीजेपी कांग्रेस से मांगते हो। मेरे पास बराबर हिल में टिकट मांगा और मैं चुनाव लड़ा, 5 वोट थे देवासी का, 5। और सामने किसके लड़ा, सामने लड़ा वो अमेरिका का राष्ट्रपति मंगल प्रभात लोढ़ा, जो अमेरिका का राष्ट्रपति का पार्टनर। पर उधर जाके मैंने देवासी ने परसम फहराया, वहां जाके अभी 5 दिन पहले की बात थी, वर्धा जी रानीवाड़ा गुंदाऊ और एक सीए साहब आए, मेरे को बताया अरे कि हम इनकम टैक्स में हमारा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत बड़े ऑफिसर के पास गए, तो वहां गए तो वहां बोला के तो उन्होंने बोला बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, अभी नहीं साहब सुनेंगे ही नहीं। वर्धा उनका लेटर गया, वो सीए था शायद पाली साइड गए कालबाजारी में, तो बोलते इसमें देवासी कौन है, तो बोले मैं हूं। हां अंदर आ, बोला हीरा भाई को जानता है, कि हीरा भाई मेरे भाई है, उसका पहला काम करके था जो 20 लाख रिश्वत देता था, काम नहीं करता वो फ्री में काम किया। और मैंने तो बोलते है टांग मत खींचो, टांग खींच खींच के तो मेरी में इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया कि मैं बंबई से लड़ लिया, अभी मैं सब तन मन धन से समाज के साथ हूं, और जो मेरा समाज का प्रति, अब तो जागो, आप अब जागो। और जो 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 बंदा मैं बोलता हूं कि हम रतन जी को दिल से चाहते हैं, हम रतन जी के लिए मरने को तैयार है, सब कर रहे, पर हमको 5 साल कांग्रेस ने घेटा क्यों बनाया, ये आवाज मैं जयपुर तक पहुंचाना चाहता हूं। रबारियों को हक दो, नहीं तो अभी 1 महीने के पास वोट है, मैं कैसे जाऊंगा रबारी समाज के पास कि कांग्रेस को वोट दो। उसके लिए हमको हमारे को कुछ करना पड़ेगा, अगर इसका जिम्मेदार मैं भी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं, हम सब जिम्मेदार, मैं अकेला रतन जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन इस पे मंथन करो। हमारे पास नेताओं की अकाल है, 2 नेताओं 4 नेताओं के ऊपर हमारी समाज नहीं चलने वाली है, युवा नेता पैदा करो जो योग्य है। मेरी पहले समाज है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस मेरे लिए मायने नहीं रखती है, मेरी पहले समाज है, समाज का बच्चा है, जो भी समाज के लोग लड़ना चाहते हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी तन मन धन से हम मदद करेंगे। मेरा राजस्थान से ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई चुनाव लड़ना है, ना कोई काम करना है, मैं तो इतना ही बोल के मेरी शब्दों को वाणी को विराम करता हूँ, लेकिन इतना बोलने के लिए ताकत होनी चाहिए। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ, राम राम सा। निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय विधायक मावजी भाई देसाई साहब से कि वो उतारे और उद्बोधन दे।